तो आज के केक में ना मैं कुछ अपने मन का ट्राई कर रही हूँ। पहले तो मैं बता दूँ कि मैं रेड वेलवेट केक बना रही हूँ, इसका डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। एनिवर्सरी के लिए आज मैं ट्राई करने जा रही थी टॉप फॉरवर्ड केक। तो प्रीमिक्स ले लिया था, स्पॉन्ज बेक कर लिया था, बहुत परफेक्ट स्पॉन्ज भी बन गया था। तो बारी आती है स्टैंडिंग केक बनाने की। तो यदि आपका भी ट्राई करना तो कम से कम केक को आइसिंग करने के बाद फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए रख देना ताकि क्रीम प्रॉपर सेट हो जाए। इसमें तो मैं स्टेंसिल्स यूज करने वाली थी बट क्रीम सही से सेट नहीं हुई थी और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि आपने देखा, जब मैंने केक को स्टैंड किया तो जो हमारा फ्रंट था वो फ्रंट पर रखने लायक दिख नहीं रहा था। सबसे गलतियां क्या हुई है वो मैंने इसके फुल वीडियो पर बताया है। फिर भी मुझे टॉप फॉरवर्ड केक तो बनाना था और मैंने बना भी लिया। ये केक मेरे दीदी चाची के एनिवर्सरी के लिए ही था तो कुछ न्यू ट्राई हो गया, केक भी कट हो गया। मेरी तो फैमिली को अच्छा लगा होगा तो प्लीज जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। और हर हर महादेव।